ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਈਏ ਔਰ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 90 ਆ 100 ਕਰਨੀ ਬਸ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अज भी माशाल्लाह साडा जिहड़ा ट्रेवल है वो है हासिलपुर तो लैके अड्डा ज़खीरा, तो असी जिहड़ा है अज तुहानू अड्डा ज़खीरा का जिहड़ा है विजिट कराने और रोड ट्रेवल कराने, तुसीं रहो साडे नाल नाल साडी वीडियो नूं वेखो मुकम्मल। तेल वगैरह है असीं तुहाडे सामने असीं जिहड़ा है फुल करा लिया अलहमदुलिल्लाह, हुण दुआ करिया जे कि अल्लाह पाक जिहड़ा है सानूं खैरियत नाल लै जाओ अपनी मंजिल मकसूद ते। असीं जे अपना जिहड़ा है ऐनक वगैरह मिट्टी कट्टे तों बचण वास्ते ला के ते अपना जिहड़ा है गड्डी नूं स्टार्ट करदे हां, ते गड्डी साडी माशाअल्लाह स्टार्ट हो गई है ते हुण असीं अपना जिहड़ा है सफ़र शुरू करदे हां। असी जी काफ़ी सफ़र करने तो बाद दरिया सतलुज ते पहुँचे हैगे हैड सैफल ते, पहले तो बिल्कुल दरिया जिहड़ा है सी खुश्क सी, पानी इहदे विच ज़रा भी नहीं हैगा सी। हुण तकरीबन कोई पानी दी जिहड़ी है एक साइड ते लहर है जिहड़ी चल रही है माशाल्लाह जी अलहमदुलिल्लाह। मैं जिहड़ा सफ़र है सी 50 किलोमीटर खैरियत नाल कर लिया, हुण मैं तुहानूं दस्सदा वां कि मैं पहुँच असी जनाब पहुँचे हैगे मैलसी शहर। यह है जी दो पुला नहर जी इस टाइम बिल्कुल सुकी है, तो यह सामने जोड़ा है फौजी छाउनी है, तो इस साइड से फौजी स्कूल है जी। तो माशाल्लाह गड्डी जी है साड़ी खैरियत नाल हो गई है, सफर भी साडा माशाल्लाह खैरियत नाल हो गया। तो हुण असीं तुहानूं मैलसी शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाने हैं, तो ये असीं जोड़ा है गुजर के जाना है। पिछे तुसीं वेख्या कि असीं फौजी छाउनी ते कलोनी चौक क्रॉस करके, तो हुण असीं पहुँचे हैगे जी फाटक ते। फाटक जिहड़ा है मैलसी शहर का मेन फाटक है और नाल ही जिहड़ा है बसां दा अड्डा हैगा। रिक्शे वाले काम जरा चैक करा जे, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बचा। ओ तेरी खैर तेरी खैर, अल्लाह ने बचा लिया है जी। तो असी जिहड़ा फाटक क्रॉस करके बसों का अड्डा है जी, ये भी क्रॉस कर लिया है। इस जगह अड्डे जी है बहुत ही घट दी हुई है माशाल्लाह। साडा अक्सर सफ़र जिहड़ा है इस रोड से रहिंदा है, तो दुआ करिया जे कि अल्लाह पाक खैरियत नाल पहुँचावे। अलहमदुल्ला मैलसी शहर जिहड़ा है सी असी क्रॉस कर लिया है, तो हुण मैं थोड़ा जिहा 2 मिनट का स्टॉप किया, मैं कि नाले अपने दोस्तों नाल गपशप भी ला लाँ और नाले गड्डी जिहड़ी है 2 मिनट साह कढ लवे। शहर के तुहानूं पता कि जदों क्रॉस करके आईए तो बहुत ज़्यादा जिहड़ा है गड्डी नाल जुलम हुंदा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हुंदा, फिर गड्डी ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस करके हुण इन 2 मिनट का साह दवाने। ये साइड जी है मैलसी शहर, मैलसी शहर असी तकरीबन कोई 6 किलोमीटर जिहड़ा है क्रॉस कर लिया, तो साडा जिहड़ा रक्षा है जी यह खड़ा है। काफ़ी ज़्यादा लोड है, तकरीबन 40 मन लोड हैगा, तो असी जाना है इस साइड नूं अड्डा ज़खीरा, यानी कि 2 कोटा तो एक शाख निकलती है दुनियापुर रोड से, उहदे ते आउंदा है अड्डा ज़खीरा, तो असी जिहड़ा है उस रोड के उत्ते सफ़र करना है। तो चल के तुहानूं इंशाल्लाह बाकी जिहड़े रस्ते दे विच
स्टाफ आएंगे उन्हों का भी तुम विजिट कराने हैं। तो फिर असं इंशाल्लाह माल जोड़ा है उतारना है। गंदम जी है तुम पता है पक के इतने बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुछ जगह पर कटाई जी है शुरू हो रही है, सिर्फ अब बारिश का करके एक दो दिन डस्ट हो गई है या तीन दिन। वेखो माशाल्लाह गंदम जी है बिल्कुल जी रड़ी है, लेकिन इस साइड से गड़ा भी आया सीगा। फिर भी शुक्र अल्लाह का जिस तरह जगह पर मैं खड़ा हुआ ना इतने माशाल्लाह जोड़ा है गंदम काफ़ी बेहतर है। लेकिन मैं तो जी सुनी सी ना गलबात वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक से, शायद अगे हो तो पता नहीं। बहरहाल मैं मैलसी शहर के नाल खड़ा वहाँ, इतने माशाल्लाह गंदम भी ठीक है, एडी ज़्यादा नुकसान नहीं होया इहदा। असी जी काफ़ी सफ़र करन तो बाद पहुँचे है जी दो कोटा। तो दो कोटा जो स्टाप है ना ये आता है मैलसी और टिब्बा सुल्तान के दरम्यान। तकरीबन कोई इस तो अगे जोड़ा है टिब्बा सुल्तानपुर रह जाता है कोई 15 किलोमीटर और मैलसी तो जोड़ा है तकरीबन कोई 20 किलोमीटर जोड़ा आ जाता है दो कोटा स्टाप। तो ये एक शाख निकलती है जी, इतों अच्छी मुड़ना भी है, वो शाख निकलती है जी दुनियापुर नू। तो जोड़ा अड्डा जखीरा आना है वो आना है दुनियापुर रोड के उत्ते। असी हूँ जी दुनियापुर रोड के उत्ते मुड़ चुके है, तो अगे असी पहुँचते हूँ जी पुल सरले जी। अलहमदुल्ला मैं जोड़ा है पुल सरले तो पहुँच आया वहाँ। साढ़ा जोड़ा सफ़र है से माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। तकरीबन साढ़ा जोड़ा सफ़र से है 80 किलोमीटर का, वो असी तय कर लिया। तो हूँ जोड़ा तकरीबन कोई किलोमीटर सफर रहा वो तो माल उतार है जी पुल सरले वाले स्टाफ तुम दिखाता जावा। तो इतों एक सिंगल जहा रोड निकलना से उसे पहुँचना है, तो उदू तक हूँ असं थोड़े ना इंशाल्लाह एक नवी वीडियो के मिलेंगे। उदू तक जो इकबाल गुजर ब्लॉग में इजाजत, अल्लाह हाफिज़।